Hello all, welcome to Sea Saturday. Moving on to the next reading comprehension question for today. This is 2021 paper, set B. Moving on to question number 21. Okay, it's again an inference kind of question. Inference kind of question से हमें मतलब है कि जो भी पैसेज में दिया हुआ है उससे हमें किसी नतीजे तक पहुंचना है. Okay, infer करना है कि हम क्या समझे उस पैसेज से. This is the passage. Let's see the question first. Question number 21. On the basis of the passage given above, the following assumptions have been made. Char assumptions yahan pe li gayi hain. Aur isme se kaun se assumptions are correct that you have to point out. Which of the above assumption is or are valid. Okay. Let's go to the passage again. You can pause the video, attempt the question and then get back. Let's start reading. Fig trees. जीनस फिकस. नाउ सारी ट्रीज जो हैं वो ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं. सो जो फिक ट्री है वो फिकस ब्रांच को बिलोंग करती है. ओके, सो ये इसका मतलब है. फिक ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड इन इंडिया. सेक्रेड वर्ड का क्या मतलब है? होली या पूजा से रिलेटेड. ओके, वर्शिपिंग से रिलेटेड. आर सेक्रेड इन इंडिया, ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका. And are common in agriculture and urban landscape where other large trees are absent. So fig tree sacred माना जाता है, इन सब areas में पाया जाता है. And it is present in agriculture and urban landscape जहाँ पे other large trees are absent. In a natural forest, fig tree provides food for wildlife when other resources are scarce. जब other resources कम होती हैं उस atmosphere में फिग ट्री जो है वो फूड प्रोवाइड करती है वाइल्ड लाइफ को. एंड सपोर्ट्स हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्रूगीवोर्स. फ्रूगीवोर्स कौन होते हैं? फ्रूट ईटिंग एनिमल्स. सो ये क्या करता है? सपोर्ट करता है हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्रूगीवोर्स. फ्रूगीवोर्स को सपोर्ट करता है ये, ठीक है, बाय फूड. इफ फ्रूगीवोर बर्ड्स एंड बैट्स कंटिन्यू टू विजिट फिग ट्रीज लोकेटेड इन साइट्स विद हाई ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस, sacred fig tree may promote frugivores abundance. Okay, so if birds or bats visit karti rahengi fig tree ko to ye jo sacred trees hai may promote frugivores frugivore abundance. Frugivores ko bahut sara food ye provide karti hai. Okay, this tree under favorable microclimate plenty of seedlings of other species would grow under fig tree. अब क्या होता है कि ये बर्ड्स और बैट्स इस ट्री को विजिट कर रही हैं, इनके थ्रू, इनके पैर में लग के या इनके बीक के थ्रू सीड्स डिस्पर्स हो रहे हैं. ओके, सो ये जो फिग ट्री है उसके नीचे बहुत सारे दूसरे प्लांट के स्पीशीज, दूसरे ट्रीज के स्पीशीज भी पाए जाते हैं. थ्रू दिस बर्ड्स एंड बैट्स दे आर विजिटिंग दिस फिग ट्री. सो दिस वॉज द पैसेज. लेट्स गो टू द क्वेश्चन. Let's read the assumptions. Fig tree can often be keystone species in natural forest. अब हमने क्या यहाँ पे देखा कि birds और bats के through fig trees के नीचे दूसरे plant के, दूसरे trees के species भी पाए जाते हैं. So obviously this is propagating a natural forest को बढ़ाने के लिए use हो रहा है fig tree. Fig tree is contributing. So we will go by first assumption. Okay. Second one says, fig trees can grow where other woody species cannot, large woody species cannot grow. Now let's see what the passage says. Passage में क्या बोला गया था कि ये इंडिया, ईस्ट एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है. एंड आर कॉमनली इन एग्रीकल्चर एंड अर्बन लैंडस्केप वेयर, कहाँ, अदर लार्ज ट्रीज आर एबसेंट. कैन यू सी द वर्ड वुडी हियर? नो, राइट? लार्ज ट्रीज जहां पे एबसेंट होती है वहां पे फिग ट्री पाया जाता है. और ये कह रहा है जहां लार्ज वुडी स्पीशीज नहीं होती है वहां फिग ट्री पाया जाता है. सो वी विल नॉट गो बाय सेकंड अजम्पशन. सेक्रेड ट्रीज कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में रोल प्ले करता है. कैसे? दिस बहुत सारे इंस्टेंसेस दिए हुए हैं इसके पैसेज में. लेट्स गो बैक एंड सी. ओके, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड्स फूड टू वाइल्ड लाइफ एंड सपोर्ट्स. यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है सपोर्ट्स अ हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्रूगीवोर्स. फ्रूगीवोर्स के सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को फूड प्रोवाइड करता है. एंड दूसरा कि फेवरेबल कंडीशंस में अदर ट्री स्पीशीज भी उसके आसपास पाए जाते हैं. ओके, सो बेसिकली इट इज प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी इन मेनी वेज.
more base than one. We'll go by third assumption also. Fake trees have a role in seed dispersal of other tree species. Very evidently, in the last line, this says the same thing, that other tree species would grow under fig tree because these birds and bats come visit, unke through seed dispersal hota hai, aur seed dispersal hota hai, aur other tree species uske andar pai jati hai. So we'll go by 1, 3 and 4. Let's go to the code. So the answer as per us is D, which is 1, 3 and 4. Now, it was an inference kind of question. You had to read, understand the passage and come up to with an inference. Agriculture area se ye question tha. Aapko careful reading ki zarurat thi. Okay, bahut hi choti choti cheezon se ye dekhiye, jaise ki, for example, this word, woody species. Aur wahan pe likha hai large trees. So, little things you had to be careful about. Okay, before selecting your option, it required a careful reading. Let's look at the words from the passage. Genus is a group of trees, ek different groups mein divided hoti hain trees. So fig tree jiske andar aata hai usko genus ficus kehte hain. So genus is basically a group or a species. Okay, sacred, holy ya worship se related. Frugivores, animals that eat fruits, jaise carnivores, herbivores hote hain, waise frugivores. Density, compactness. Okay, diversity, variety of different elements, alag alag cheeze jahan available hai usko diversity kehte hain. Microclimate, localized climate, okay, abundance, large quantity, zyada quantity mein available hai usko abundant bolte hain. Disturbances, hindrance, rukawat, okay, promote karna, support karna. Okay, so these were the tough words or the key words from the passage. So thank you all, let's meet with the next PYQ tomorrow.